व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो स्वागत है आप लोगों का एक और MIUI 12.5 की वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेट ट्रैकर के बारे में। आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको MIUI 12.5 और कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको MIUI 12 का जो अपडेट है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है इसी वीक में। सो इसी अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो कम्प्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। और पोको डिवाइस के जो यूजर हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, बिग न्यूज है, वो यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आप लोगों को वो न्यूज है वो यहाँ पर अच्छी भी लगेगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज है वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर गाइज अगर हम बात करें फर्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है पोको X3 प्रो ग्लोबल स्टेबल 12.5.2.0। सो यहाँ पर ये जो ग्लोबल में MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है और वो अपडेट है वो आपको अंडर 7 डेज के अंदर कन्फर्मली इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है पोको डिवाइस के यूजर के लिए क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। पोको के जो डिवाइस है इनके अंदर भी आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। सो ये है पोको X3 प्रो, इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा और बताऊंगा कौन कौन से कमाल के फीचर यहाँ पर मिले हैं। बात करें अगर हम सेकंड अपडेट के बारे में, सो वो है पोको X3 एंड्रॉइड 11। सो यहाँ पर आपको ये अपडेट देखने को मिलता है और अंडर 1 वीक के अंदर आपको ये जो अपडेट है वो सभी डिवाइस के यूजर के लिए मिल जाएगा। सो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिए। सो यहाँ पर आपको इसकी लिंक पे मिल जाएगी, आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हो। थर्ड अपडेट के बारे में अगर हम बात करें, सो वो है पोको X2 जो कि आपको कल ही देखने को मिला था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अगर हम बात करें थर्ड अपडेट के बारे में, सो वो है Redmi Note 9 Android 11। सो यहां पर आपको ग्लोबल में अपडेट मिल चुका है और इंडिया में बहुत ही जल्दी आपको 15 डेज के अंदर अंदर अपडेट है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। Redmi 9 Prime जो डिवाइस है इसके लिए आपको रिसेंटली 12.0.3.0 का अपडेट है वो यहां पर देखने को मिला था, आप लोग डायरेक्टली ऐसे OTA अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, सो वो है Redmi Note 9। सो ग्लोबल में आ चुका है और अगेन आपको इंडिया में अंडर 15 डेज के अंदर यहां पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें Redmi 9 Prime डिवाइस के बारे में, सो बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि Android 11 का जो अपडेट है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है ग्लोबल में और ये आपको अंडर मतलब कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपडेट है वो इंडिया में यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगेन आपको Redmi 9 के अंदर अपडेट मिलता है। और दोस्तों पोको X3 प्रो के लिए बहुत ही जल्दी आपको अंडर 7 डेज के अंदर MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। सो मैं आपको जरूर से यहाँ पर फीचर्स के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से यहाँ पर फीचर मिले हैं। तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया सो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज है वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।